वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगिन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम दुं दुर्गायै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय नमः। ओम हं हनुमते नमो नमः। नवम अध्याय श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये जजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अनुवाद। अन्य माने जेउ माने ज्ञान आहरण रे व्यस्त से माने भगवान को अद्वितीय भगवान रूप रे विभिन्न रूप रे एवं विश्व रूप रे पूजा करंती। भावार्थ। एई श्लोकटी पूर्ववर्ती श्लोक मानंकर सारांश अटे। भगवान अर्जुन को कहुछंती जे जेउ माने पूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील अटंती एवं कृष्णक व्यतीत आउ किछि जानंती नाही सेमानंकु महात्मा कहा जाए। तथापि आउ केतक लोक अछंती जेउ माने महात्मांक स्तर रे नथांती किंतु कृष्णंकु पूजा करंती। सेमाने अन्य प्रकारे ए पूजा करंती। सेमाने हेले आर्त धनहीन जिज्ञासु एवं ज्ञानी अर्थात जेउ माने ज्ञान आहरण रे व्यस्त किंतु आहुरी अनेक अछंती जेउ माने नीच स्तरर एवं एमाने तीन श्रेणी रे विभक्त जथा एक जे निजकु भगवानक सह समान माने करे निजकु पूजा करे। दुई जे कि निज मन मुताबक एक रूप कल्पना करी ताकु ही पूजा करे। तीनी जे भगवानंकर विश्वरूप को स्वीकार करि ताकु ही पूजा करे। ए तीन श्रेणी मध्य रे निम्नतम हेउछंती सेही माने जेउ माने निजकु भगवान भाबी पूजा करंती एवं एहा मध्य एक प्रकार भगवत उपासना कारण से माने बुझि पारि थांती जे से माने भौतिक शरीर नुहंती से माने वास्तव रे चिदात्मा। द्वितीय श्रेणी रो पूजक हेउछंती अन्य देवता पूजक। ए माने निज कल्पना अनुजाई जे कोनोसी रूप को भगवानक रूप बोली भावंती। तृतीय श्रेणी रो पूजक हेउछंती सेही माने जेउ माने ए भौतिक परिप्रकाश व्यतीत अन्य किछि धारणा करि पारंती नाही से माने भावंती जे ए भौतिक ब्रह्मांड हेउछि परम यांत्रिक गठन किंबा वास्तव सत्ता एवं ताहाकु ही से माने पूजा करंती। नवम अध्याय श्लोक 16। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यं हमग्निरहंहुतम्। अनुवाद। किंतु मु धर्माचरण पद्धति मु यज्ञ मु पितृपुरुषंकु अर्पित सामग्री मु औषध उद्भिद मु मंत्र मु मध्य घृत अग्नि एवं यज्ञ रे अर्पण करा जाउथिबा सामग्री मध्य अटे। भावार्थ। ज्योतिष्टुम नामक यज्ञ मध्य कृष्ण अटंती एवं से मध्य महायज्ञ अटंती। पितृलोक को जहाँ सबू अर्पण करा जाए एवं पितृपुरुषंक प्रीत्यर्थे जेउ यज्ञानुष्ठान करा जाए ताहा
घृताकारे थिबा एक औषध रूपे विवेचित हुए ताहा मध्य कृष्ण अटंती। ए यज्ञानुष्ठान रे जे मंत्रावृत्ति करा जाए ताहा मध्य कृष्ण। जेउ सबु दुग्धजात पदार्थ यज्ञ रे अर्पण करबा निमित्त प्रस्तुत करा जाए ताहा मध्य कृष्ण। ए यज्ञानुष्ठान रे जे मंत्रावृत्ति करा जाए ताहा मध्य कृष्ण। जेउ सबु दुग्धजात पदार्थ यज्ञ रे अर्पण करबा निमित्त प्रस्तुत करा जाय थाए ताहा मध्य कृष्ण। अग्नि मध्य कृष्ण, कारण पंच महाभूत मध्य रे अग्नि एकतम अटे, तेणु ताहा कृष्णंकर एक भिन्न शक्ति रूपे विवेचित हुए। अन्य कथारे एहा कुहा जाई पारे जे बेदर कर्मकांड विभाग रे जेउं वैदिक यज्ञानुष्ठान रो वर्णना अछि से समस्त मध्य कृष्ण अटंती। अर्थात अन्य कथारे एहा ही कुहा जाई पारे जे जेउं माने भक्ति जोग मार्ग रे कृष्ण सेवारे रत अछंती से माने बेदरे वर्णित समस्त प्रकार यज्ञ कर्म करि सारिछंती बोली धरा जाए। नवम अध्याय श्लोक 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रं ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। अनुवाद। मु एही ब्रह्मांडर पिता माता धारणकर्ता एवं पितामह अटे। मु पवित्रकारी एवं ओंकार अटे। मु मध्य रुक्षा एवं यजुर्वेद अटे। भावार्थ। श्रीकृष्णंकर विभिन्न शक्तिर क्रियाफलरे स्थावर जंगम आदि समग्र भौतिक ब्रह्मांड प्रकाश लाभ करिअछि। भौतिक स्थितिरे आमे विभिन्न जीव सहित विभिन्न प्रकार संपर्क सृष्टि करु। भौतिक सृष्टिरे थिबा समस्त जीव श्रीकृष्णंकर तटस्था शक्ति अटंती, किंतु प्राकृतिक सृष्टिर अधीनरे सेमानंक मध्यरु केतेक आमर पिता माता पितामह सृष्टिकर्ता आदि रूपरे प्रतिभात हुवंती। सेमाने कृष्णंक व्यतीत आउ किछि नुहंती। एहि श्लोकरे धाता शब्दर अर्थ सृष्टिकर्ता केवल जे आमर पिता माता कृष्णंकर अंश ताहा नुहे, सेमानंकर सृष्टिकर्ता पितामह मातामह आदि मध्य कृष्ण अटंती। वास्तवरे जे कोनोसी जीव कृष्णंक अंशविशेष हेतु कृष्ण अटे, तेणु समस्त वेद केवल कृष्णंकु ही लक्ष्य करंती। वेद जरियारे आमे जहाँ किछि जानिबाकु इच्छा करु ताहा केवल कृष्णंकु जानिबा पथरे आमकु अग्रगति कराए। जेउं विषय वस्तु आमर स्वरूपकु पवित्र करिबारे साहाज्य करे ताहा स्वतंत्र रूपे कृष्ण अटे। सेहिपरि जेउं जीव समस्त वैदिक रीति जानिबा पई अत्यंत आग्रही से मध्य कृष्णंकर अंशविशेष अटे, एणु से मध्य कृष्ण अटे। समस्त वैदिक मंत्ररे थिबा ओंकार जहाकु प्रणव कुहा जाए ताहा दिव्य ध्वनि अटे एवं ताहा मध्य कृष्ण अटे। तेणु ऋक् साम यजु एवं अथर्व आदि चारि वेदर मंत्रमानंकरे एही प्रणव ओंकार अत्यंत सुस्पष्ट अटे, तेणु एहा कृष्ण बोली विवेचित हुए। नवम अध्याय श्लोक 18। गतिर् भर्ता प्रभुः साखी निवासः शरणं सुहृत् प्रभावः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। अनुवाद। मु लक्ष्यस्थल पोषणकर्ता प्रभु साखी निवास स्थल शरण रक्षक एवं अत्यंत अंतरंग बंधु अटे। मु प्रत्येकटीर मूलाधार आश्रय स्थल एवं अक्षय बीज अटे। भावार्थ। गतिर अर्थ लक्ष्यस्थल जेउठाकु आमे जीवाकु इच्छा करु, जदियो लोकमाने जानंती नाही तथापि अंतिम लक्ष्यस्थल हेउछंती श्रीकृष्ण। से जे कृष्णंकु जाने नाही से पथभ्रष्ट अटे एवं तार तथाकथित अग्रगति आंशिक अटे किंबा विभ्रांति बा मायामोहित अटे। एपरि अनेक लोक अछंती जेऊ माने कि विभिन्न देवतांकु सेमानंक लक्ष्यस्थल रूपे बाछिछंती एवं सेई देवता पूजार अति कठिन पूजा विधिमान पालन करी सेमाने चंद्रलोक सूर्यलोक इंद्रलोक महरलोक प्रभृति विभिन्न लोकरे प्रवेश लाभ करती। वास्तवरे
से लोक गुड़िक कृष्णंकर शक्ति प्रकाश होइथिबा हेतु सेमाने मध्य कृष्ण किंतु प्रकृतरे सेमाने कृष्णानुभूति लाभरे एक पदक्षेप रूपे कार्य करंती। श्रीकृष्णंकर विभिन्न शक्तिंक निकटरे पहुंचिबा अर्थ श्रीकृष्णंक निकटरे परोक्ष भावरे पहुंचिबा। व्यक्ति सीधासळख भावरे कृष्णंक निकटरे पहुंचिबा उचित, कारण तद्वारा समय और शक्ति संचित हुए। प्रत्येक कृष्णंकर शक्ति रे आश्रय नेइछंती, तेणु श्रीकृष्णंक आश्रय बिना केहि तिष्ठि पारिबे नाही। श्रीकृष्ण हेउछंती परम नियंत्रणकारी, कारण सबकिछि तांकर अटे, अर्थात से समस्तंकर मालिक अटंती एवं सबकिछि तांक शक्तिर आश्रित। तेणु कृष्ण प्रत्येकंक हृदयरे अछंती, तेणु से परम साक्षी अटंती। जेउ वासगृह देश बा लोकरे आमे बास करुछु से समस्ते मध्य कृष्ण अटंती। कृष्ण हेउछंती अंतिम आश्रय स्थल, एणु व्यक्ति निजर सुरक्षा निमित्त किंबा निजर दुख जंत्रणार विनाश निमित्त श्रीकृष्णंकर आश्रय ग्रहण करिबा उचित। जेतेबेले आंभे माने आश्रय ग्रहण करुछे सेतेबेले जाणि रखिबा उचित जे आंभ मानंकर आश्रयदाता हेउछंती एक जीवंत शक्ति। एही प्रकारे श्रीकृष्ण परम जीव अटंती, जेणु श्रीकृष्ण आंभ मानंकर उत्पत्ति स्थल किंबा परम पिता। तेणु श्रीकृष्णंक व्यतीत अन्य केहि आमर उत्तम बंधु बा शुभाकांक्षी होइ न पारंती। श्रीकृष्ण सृष्टिर मूल एवं प्रलय बा ध्वंस परे अंतिम आश्रय स्थल, तेणु श्रीकृष्ण हेउछंती समस्त कारणर शाश्वत कारण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकाबल्लवं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, हरि ओं तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।